the desert ecosystem. first, the contents. definition of desert ecosystem, climatic conditions in desert ecosystem, the soil conditions in desert ecosystems, and the plant life in the desert ecosystem. first, the desert ecosystem. strasnam Bhatkan, desert ecosystem, basically it is a region which receive the annual precip precipitation less than 25 centimeters. इन डेजर्ट इको सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास एक ऐसा इको सिस्टम है जिसके अंदर जो एनुअल प्रसिप्टेसन है वो लेस दैन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स है दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग द डेजर्ट इको सिस्टम इज है वेरी एक्सट्रीम इन्वायमेंटल कंडीशन इसके अंदर इन्वायमेंटल कंडीशन जो है वो बहुत एक्सट्रीम है स्कारसिटी ऑफ वाटर है जिसकी वजह से द दिक्कसिटी ऑफ वेजिटेशन यानी वाटर कम है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली वेजिटेशन कम है जो वेजिटेशन कम होती है अल्टीमेटली वहाँ जो अदर फार्म्स ऑफ एनिमल लाइफ जो है वो भी क्या होंगे वहाँ कम होंगे तो टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन डेजर्ट के अंदर हमें सबसे ज़्यादा मिलती है सो तो क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास ड्राई रेनफॉल कम है रेनफॉल कम होने का मतलब है कि द एनवायरमेंट इज़ हैविंग टोटल ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन जितने भी हमारे पास लैंड के बायोम्स हैं लैंड के बायोम्स में हमारे पास अगर हम अर्थ के बिल्कुल नॉर्थ से स्टार्ट करें तो हमारे पास टंड्रा इकोसिस्टम है देन द कोनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट हैं देन द डिस फॉरेस्ट हैं देन द्रास लैंडस हैं एंड देन डेजर्ट्स तो डेजर्ट्स के अंदर रेनफॉल सबसे कम है तो दे आर हैविंग द लोएस्ट रेनफॉल तो लोएस्ट रेनफॉल होने की वजह से अल्टीमेटली वहाँ जो लाइफ जो है वो भी क्या होगी वहाँ सिकारसिटी में मौजूद है सो ये जन जी अच्छा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स पर ईयरस एक एवरेज रेनफॉलॉल है लेकिन बहुत सारे डेजर्ट बायोम्स हैं जिनके अंदर वो फॉर मैनी ईयर्स देर इज़ नो रेन जैसा सहारा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट के अंदर कई कई साल तक जो किस तरह की कोई रेन फॉल नहीं होती है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमें मिलेगी डेजर्ट्स के अंदर जैसे एट द डे टाइम द टेम्परेचर मे क्रॉस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर जो होता है वो आमतौर तो पर फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाता है बट एट नाइट देर इज़ एक्स कोल्ड तो रात के वक्त जो टेम्परेचर जो होगा वो अगर दिन को 38 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एट नाइट इट विल बी अबाउट 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन विल बी हाई इतनी भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हमें किसी और बायोम के अंदर नहीं मिलती है तो सॉयल कंडीशन डेजर्ट इकोसिस्टम की अगर हम सॉयल देखें तो नॉर्मल द तो सॉयल इज़ वेरी ड्राई जो कि वाटर जो उसके अंदर नहीं है तो अल्टीमेटली देर नो मॉइस्चर इन दॉय डेजर्ट इकोसिस्टम डेजर्ट जो सॉयल है उसके अंदर जो मॉइस्चर नहीं हो तो अल्टीमेटली इट विल बी द ड्राई लैंड आर ड्राई सॉयल सो देर विल बी लो ऑर्गेनिक कंटेंट्स अब जो कि सॉइल ड्राई है सॉइल ड्राई होने की वजह से उसके ऊपर वेजिटेशन मौजूद नहीं है जब वेजिटिटेशन नहीं हो तो फिर उसने वही वेजिटेशन जब डीकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मेटर को इंक्रीज करती है सॉयल के अंदर तो इस वजह से जो डेजर्ट्स हैं दे आर लो इन दर्गेनिक कंटेंट अब लो ऑर्गेनिक कंटेंट होने का मतलब यह है कि दे आर हैविंग लो फर्टेलिटी उसकी जो फर्टिलिटी कम है इन्हें प्लान्स को सपोर्ट करने की साहित जब वो कम है द डेजर्ट सॉइल इट इज आल्सो हैविंग द लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आमतौर पर जिस सॉयल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है अब चूंकि डेजर्ट्स जो होते हैं डेजर्ट के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट कम है ऑर्गेनिक कंटेंट कम होने का मतलब यह है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो जितना भी वाटर होता है वो पोरस पोरसॉइल के अंदर से गुजर कर नीचे चला जाएगा द प्लांट लाइफ अब चूँकि डेजर्ट्स जो हैं दे आर हैव स्का ऑफ वाटर सो ऑनली दो प्लान्टन ग्रो इन द डेजर्ट्स विच हैव अडेप्टन टू सरवाइव इन लो अमाउंट ऑफ वाटर सिर्फ वही प्लांट्स सर्वाइव कर सकेंगे जिनके अंदर वाटर कम वाटर के साथ सर्वाइव करने की सलाहियत जो है वो मौजूद है तो नॉर्मली वो प्लाट्स जो डेजर्ट्स के एग्जिस्ट करते हैं दे हैव सर्टन अडेप्टशनस दे आर अडेप्टन इंक्लूड अगर उसकी अडेप्ट देखें तो आमतौर पर जो उसके अडेप्ट नंबर वन देव रिड्यूस्ड uh, लीव्स उनके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं रिड्यूस्ड होते हैं यानी कि या तो होते नहीं या फिर बहुत क्या होता है वो शॉर्ट हो, हो जाते हैं साइज़ में रिड्यूस हो जाते हैं सेकेंड वन दे आर हैविंग सर्कुलेंट स्टेम उनके अंदर जो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है यानी अगर कहीं साल में एक दफ़ा भी थोड़ी रेन हो रही है दैट रेन वाटर विल बी स्टोर्ड इन द स्टेम तो स्टेम जो है, होते हैं वो सकुलेंट होते हैं वो अपने अंदर वाटर जो है वो स्टोर करते हैं यानी कि पल्पी फॉर्म में जो वो स्टेम्स होते हैं इसके सर्कुलेंट होते हैं स्टोमेटा आर वेरी डीप अब चूँकि प्लांट्स जो हैं वो जब ट्रांसपायर करेंगे तो वाटर जो है वो लॉस होगा तो जो हमारे पास डेजर्ट प्लांट्स हैं दे आर हैविंग द डीप स्टोमेटा उनके स्टोमेटा बहुत डीप होते हैं जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो मिनिमम होता है सिमिलरली दे आर हैविंग वैक्सी क्यूटिकल तो उनके जो क्यूटिकल है जो उनके लीव्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर मौजूद होती है वैक्सी तो वैक्सी पोर्शन की वजह से उसमें जो वाटर अवैपोरेट होने के जा वो बहुत कम चांस तो जो वो लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो क्या करेगा उसमें से अवैपोरेट कर देगा सो ड्यू टू डिप्टे द डेजर्ट प्लांट्स दे आर एबल टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट